हेलो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट ना करवाया हो। एचवी, टीएलसी, टीएलसी, आरबीसी काउंट, ये तो बहुत कॉमन होते हैं। कई बार रिपोर्ट आने के बाद हम उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो चलिए कोशिश करते हैं इन जनरल कि हम अपनी रिपोर्ट को थोड़ा समझ सकें। स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन से। एचवी, द कलर ऑफ अ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एचवी मेल में जो एचवी की नॉर्मल रेंज है वो है 14 से 18, तो वही फीमेल में होती है 12 से 16। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हो कि ये किसी मेल का रिपोर्ट हो सकता है। एचवी के काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, लाइक 97% O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में एचवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वही 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी एचवी के थ्रू ही होता है। अगर किसी इंसान को एचवी की कमी हो जाए तो वीकनेस, टाइर्डनेस, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हमें उस इंसान में दिख सकते हैं। एचवी की ज्यादा कमी होने पर जनरली हम बोलते हैं कि एनीमिया डिजीज हो गई। एनीमिया इज नथिंग, इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आगे हम बात करेंगे टीएलसी पर। टीएलसी स्टैंड्स फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट्स को हम जनरली बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। WBC हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। TLC की नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000। मान लो हमें फीवर हो रहा है कंटिन्यूसली, देन ये किसी इंफेक्शन के कारण हो सकता है और डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप अपना TLC टेस्ट करवा लो। अगर टेस्ट में TLC का वैल्यू 11000 से ज्यादा आया तो ये फीवर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अगर TLC का काउंट 4000 से कम हुआ तो देयर मे बी अ वायरल इन्फेक्शन लाइक इन केस ऑफ डेंगू। ल्यूकोसाइट के भी कई टाइप होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स। अगर आपका TLC का काउंट 11000 से ज्यादा आ रहा है तो वही न्यूट्रोफिल का काउंट भी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो देयर मे बी अ चांस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके जिसके कारण आपको कंटिन्यूसली फीवर हो रहा है। सेकेंड, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी टू टाइप होते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जिसके कारण हमें इन्फेक्शन हुआ था। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोथ आर फेगोसाइटिक इन नेचर, मीन टू से जे फॉरेन पार्टिकल और बैक्टीरिया को खा जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसिनोफिल। अगर इसिनोफिल का अमाउंट मार्जिनली थोड़ा ज्यादा आया तो देयर इज अ चांस ऑफ वर्म इन्फेक्शन कि आपको वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, किसी पैरासाइट से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसिनोफिल का अमाउंट, इसिनोफिल की जो रेंज है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हुआ, नॉर्मल से ज्यादा हुआ एब्सोल्यूट रेंज मीन टू से काफी ज्यादा आई, देन देयर इज अ चांस ऑफ एलर्जी कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप IgE का टेस्ट करवा लो। IgE मींस इम्यूनोग्लोबिन ई टेस्ट। अगर आपका IgE का लेवल भी बड़ा आया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको किसी ना किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट से एलर्जी है। तो ऐसे में आप फर्दर टेस्ट के लिए जा सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी वस्तु से आपको एलर्जी है और आप उस वस्तु के अगेंस्ट अपना प्रिकॉशन भी अपना सकते हो फ्यूचर के लिए। लास्ट है वेसोफिल्स। वेसोफिल का अमाउंट जनरली तब ज्यादा आएगा जब आपको कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, जैसे आपको कहीं पे सूजन हो, वहां पे दर्द हो रहा हो, तो जनरली ऐसे केस में वेसोफिल का अमाउंट ज्यादा आएगा। आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रेंज भी हमारी बॉडी में नॉर्मल ही होना चाहिए क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है एचबी हीमोग्लोबिन। नॉर्मली 1 RBC कंटेन अप्रोक्सीमेट 26 to 76 करोड़ एचबी मॉलिक्यूल्स। सो आरबीसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीसी को हम राइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। सो उम्मीद है कि आपको रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत इन जनरल समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।